हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज के बारे में। जी हाँ, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक इन द सेंस कि हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर लेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक बार चीजें कनेक्ट करवा देता हूँ, समेट लेते हैं चैप्टर को। तो अभी तक आपने थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना चैप्टर की, वो पढ़ ली है, समझ लिए। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में आपने क्या क्या पढ़ा, तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती, क्या नेसेसिटी है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। फाइन, अब हम आते हैं अगले पायदान पे कि अगर बहुत जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम जो है कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए बढ़िया है, वन पार्टी सिस्टम चाइना के लिए बढ़िया है, ये सब कुछ देख लिया। अब अगले पायदान पे ये आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब आप पढ़ते हैं तो नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है। तो इस वीडियो में और उसके बाद वाले वीडियो में ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आया समझ में इतना एसेंस क्या है वीडियो का। अब अगर हम बात करें किस चीज की, कि आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है, कि क्या आने वाला है, कौन सा लेक्चर कब है, इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस और भी एक्साइटिंग जो फीचर्स हैं, जैसे ओपन हाउस का फीचर हो गया, ठीक है, वहां पे हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे एक्साइटिंग फीचर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं DIGRAJ इस कोड के इस्तेमाल से, ठीक है, ये पास कोड रहेगा। फाइन, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो नेशनल पार्टीज क्या होता है। नेशनल पार्टीज, देखो द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि वो सारी पार्टीज जो पूरे नेशन में फैली हुई हो, ठीक है, पूरे नेशन में फैली हुई, तो हम बोल देंगे कि वो पूरे नेशन में जो फैली है वो नेशनल पार्टी नहीं, इतना आसान नहीं है, कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर अभी दे देता हूं, बुक में NCERT में लिमिटेड क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बेंचमार्क सेट किए गए उसे आप पढ़ोगे और डिटेल में, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे, तब आपको और समझ आएगा कि हाँ और भी मल्टीपल क्राइटेरियाज हो रहे हैं, लेकिन अभी के लिए काम सिंप्लीफाई रखने के लिए जितना बुक में दिया हम उतना पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टीज आर कंट्री वाइड पार्टीज, ठीक है, वो पार्टीज जो पूरे देश में एक छत्र मतलब फैली हुई रहती है, ठीक है, हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो दी सेम पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड एट दी नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल की जो पार्टी या फिर नेशनल पार्टीज जो होती है तो पूरे देश में फैली रहती है, हर स्टेट में उसका प्रेजेंस है, लेकिन वो सब यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है। नेसेसिटी वाले टॉपिक में एक चीज पढ़ी थी ना कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी अलाइनमेंट नहीं होगा, लेकिन नेशनल पार्टीज है तो वो नेशनल पार्टीज देश के हर कोने में है लेकिन एक साथ एक लाइन पे काम करती है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, तो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे डिसाइड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो नेशनल लेवल पे डिसाइड किया है पार्टी ने, ठीक है, वही प्लान्स पॉलिसी उसी तरीके का स्टैंड जो है, तो कांग्रेस जहां जहां भी जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में है वो सेम पॉलिसी सेम प्रोग्राम्स पे काम करेगी। आई मेरी बात समझ में, तो वो वाली चीज रहती है। आया समझ में, नेशनल पार्टीज का एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वी आर फ्री टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर फ्री टू फॉर्म आर ओन पॉलिटिकल पार्टीज। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं बस पॉलिटिकल पार्टी बना ली और छुपके बैठे हुए, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें हमें गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा सुनिए कि बस पहुंच गए कहीं पे भी हाथ हिलाने लगे कि हाँ वोट दो। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। While the commission treats all parties equally, it offer some special facilities to large and established parties. आया समझ में ये? मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास में आप रजिस्टर करवाएंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आप क्या देखते हैं इक्वली ट्रीट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो लार्ज और एस्टेब्लिश पार्टी होती है जिनकी नेशन वाइड प्रेजेंस होती है, जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है, क्यों अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, जिन्हें नेशनल पार्टीज कहा जाता है, तो उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। किसकी तरफ से? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? तो जैसे दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। अब यूनिक सिंबल दिया जाता है, जैसे कमल है तो वो कमल कहां बीजेपी का हो गया है, हाथ का पंजा है तो वो कांग्रेस का हो गया है, झाड़ू है तो वो आम आदमी पार्टी का हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, नेशनल पार्टीज जो रहती है तो इलेक्शन कमीशन के पास सारी पार्टीज रजिस्टर्ड होती है, लेकिन नेशनल पार्टीज को कुछ स्पेशल फीचर्स या फिर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है ड्यू टू देयर प्रेजेंस एंड द साइज ऑफ दोज पार्टीज,
जैसे उन्हें एक स्पेशल सिंबल, रिकॉग्नाइज सिंबल दिया जाता है जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जो पार्टी के लोग करेंगे, दूसरी पार्टी दूसरे फिर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आगे समझ में? अब कल को आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहे हो, आप बोल रहे नहीं मैं तो बीजेपी के जैसा ही सिंबल रखूंगा, जीत पड़ जाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो एक लार्ज एस्टैब्लिश पार्टी है, उसने उस सिंबल के लिए मेहनत की है, अब आप दूसरा सिंबल रखो, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड नो अदर पार्टी कैन यूज दैट सिंबल, फाइन। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। और इस तरह से जो नेशनल पार्टीज होती है, तो नेशनल पार्टीज को ये फैसिलिटीज मिलती है और भी कुछ कुछ फैसिलिटीज मिलती है, और इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह कंसिडर किया जाता है। तो विच पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो नेशनल पार्टीज आर नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है इंटरनल ऐसे ही बनते हैं, ठीक है? होपफुली आपको एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के टर्म टू एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन मैं एक अप्रोच लेके चल रहा हूं एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में जहां ये छुपे हुए शब्द रहते हैं ना, ये छुपे हुए शब्द ही क्या रहते हैं, छुपा रुस्तम रहते हैं। तो इन छुपे हुए शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि एनटीएससी और जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जाते हैं उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती चीज है, ठीक है? तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर नोन एज नेशनल पार्टी, ठीक है, या फिर नेशनल पार्टीज आर नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अब आते हैं यहां पे एक मेन मुद्दे पे कि किसी भी पार्टी को आप नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी किस बेसिस पर बोलोगे, आप कैसे बोलोगे कि हाँ ये पार्टी जो है, जैसे आप बोल रहे कि बीजेपी कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी, तो बस ये देख के कि उसके कैंडिडेट हर जगह है, नहीं, ठीक है? बेंचमार्क रहता है, मतलब आपको एक बेंचमार्क अचीव करना रहता है। वो बेंचमार्क क्या होता है वो समझते देखो। तो द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स That a party must get in order to be recognized party, ठीक है? Election Commission ने क्या करके रखा है, एक detail criteria lay down कर दिया है कि किसी भी party को अपने आप को अगर national party या recognized party कहलवाना है तो उसे एक criteria fulfill करना होगा। और सुनो मेरी बात, ये बन गया आपका question यहां से, ठीक है? What are national parties? What criteria should a political party fulfill to be recognized as a national party? Explain. तीन नंबर में आ गया सवाल। सवाल समझ में आया? तो उस तरह से क्या है, नेशनल पार्टी क्या है और क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी की तरह अपने आप को नेशनल पार्टी कहलवाने का। तो ये क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और, ठीक है, ये और में लिखा है, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 states। समझ में आया क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया मतलब पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी पार्टी को अगर अपने आप को नेशनल पार्टी कहलवाना है या फिर नेशनल पार्टी का टैग लेना है तो उसे कम से कम 6% वोट सिक्योर करना होंगे। 6% वोट कहां सिक्योर करना होंगे, किसी पंचायत चुनाव में नहीं, नेशनल इलेक्शन में, ठीक है? तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट जिस पार्टी ने सिक्योर कर लिए या फिर और में है, ठीक है, एंड नहीं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं, कंफ्यूजन रहता है इसीलिए बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं उस चीज पे मैं। तो आपने या तो 6% वोट सिक्योर कर लिए हो पॉलिटिकल पार्टी ने, कहां पे, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट सिक्योर कर लो, और अगर लोकसभा में नहीं मिल पा रहे तो क्या कर लो, या तो आप 6% वोट सिक्योर कर लो कहां पे, 4 states, ठीक है, 4 states की लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब 4 राज्यों के जो राज्य में चुनाव होते हैं ना, विधानसभा के चुनाव, तो उन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी की प्रेजेंस है और 6% वोट सिक्योर करे हैं तो भी वो नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया फुलफिल कर गई। या फिर उसने क्या है, 6% जो पूरा कंट्री में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो पूरी कंट्री के 6% वोट सिक्योर कर लियो, तो भी वो क्या कर जाएगी, बेंचमार्क जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क क्या है, एंड, ठीक है, ये और में था कि 6% या तो वो लोकसभा चुनाव में जीत ले या फिर 6% 4 states की लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत ले, कहीं से भी 6% वोट जीत ले, मतलब 100 अगर वोटर है देश में तो 100 वोटर में से 6 वोटर जो है वो उस पार्टी के होना चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी का बेंचमार्क जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है? ये एक बेंचमार्क हुआ। दूसरा बेंचमार्क क्या है, दूसरा बेंचमार्क या फिर दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है विंस एटलीस्ट 4 seats इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है? ये एंड में है। तो क्या है, ये 6% वोट तो ले लिया आपने, वोट के साथ साथ में आपको सीट भी जीतना होगी। सीट जीतना होगी मतलब बस की सीट निकाल के नहीं लाना है, ठीक है? सीट जीतने का मतलब क्या है, सीट जीतने का मतलब ये कि चुनाव में जो कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग खड़े हुए तो कम से कम 4 constituencies से उस पॉलिटिकल पार्टी को जीत मिलना चाहिए, ठीक है? तो विंस एटलीस्ट 4 seats इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, सिंपल है, देखो क्राइटेरिया बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और हाँ, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था ना कि ये कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप डिटेल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो क्राइटेरिया ले डाउन किया गया उसे पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ
एडिशनल पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और मैं उसमें आपको भी उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे आप, ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी क्लासिफाइड एज नेशनल पार्टी, तो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है, ये लिखना होगा आपको, क्या कि पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 4% फोर स्टेट्स, ठीक है। तो या तो आप 6% वोट लिया हो लोकसभा में, या फिर 4 लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 6% वोट लिया हो, और ठीक है ये मतलब और मतलब एंड वाला और, ठीक है, और उसी के साथ साथ एंड यू हैव टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट्स जीतना है, पूरे कंट्री में कहीं भी जीत लो, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टी, अपने आप को नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज करवाने के लिए इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। समझ में आया, मैंने बहुत समय दिया इस टॉपिक को, मतलब अभी वीडियो में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप यहां पे सीख गए, आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, मुस्कुरा दो एक बार, ठीक है, तो एग्जाम में लिख के आ जाओगे आप। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है, अभी आपको यहां पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होंगे तो मैं समझाता हूं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन कंट्री इन 2019 के हिसाब से अगर देखोगे, 2019 तक अगर देखोगे आप, तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 7 रिकॉग्नाइज्ड या फिर 7 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, 7 नेशनल पार्टीज हैं। अब 7 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सबके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब क्या होता है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर पार्टीज का क्या करें, वो आ जाती है एग्जाम में, याद करना है पूरा, डेट याद नहीं होती, नाम याद नहीं होते, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको हर एक चीज याद करके जाना है, कुछ कुछ बेसिक आउटलाइन, जैसे अब क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है तो उसके लीडर्स का नाम ध्यान रख लो, ममता बनर्जी ध्यान हो गया हमें, फॉर्मेशन ईयर ध्यान रखना तो रखो, नहीं रखना है मत रखो, ठीक है, आइडियोलॉजी थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि जब आप 4-5 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में बैठने लगेगी। अब होता क्या है पता है, आप एक बार पढ़ते हो और एक बार पढ़ने पर सोचते हो कि सब ध्यान हो जाए, होता है अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार में भी हो जाता है फाइन, लेकिन फिर भी क्या है, रिवाइज करो, रिविजन इज द की टू सक्सेस, आई ऑलवेज यूज टू से दैट, ठीक है, कि जितना रिविजन करोगे उतना पकते जाओगे आप, पकना मतलब ऐसे बोर होने वाला नहीं, मतलब आप परिपक्व हो जाओगे, ठीक है। चलो तो एक एक करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आपने ये लोगो देखा होगा, ठीक है, ये लोगो देखा होगा, और नहीं देखा है लोगो तो आपने दीदी को तो देखा ही होगा, ठीक, दीदी को तो देखा ही होगा आपने, इन्होंने वेस्ट बंगाल चुनाव में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कड़ी टक्कर दी, फाइन। तो अब यहां पे अगर जैसे देखेंगे तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, ठीक है, एक बात बताऊं मैं, चलो रहने दो, ठीक है, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंडर में इस पार्टी को बनाया गया। पहले ये कांग्रेस का पार्ट थी, फिर कांग्रेस से अलग होके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी है, ठीक है, ध्यान रहेगा, कांग्रेस कांग्रेस दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो फिर क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 का मतलब क्या है कि इस पार्टी को रिकॉग्निशन मिल गया नेशनल पार्टी का 2016 में, मतलब जो बेंचमार्क्स चाहिए रहते थे वो उसने क्वालिफाई 2016 में कर लिए, 2016 में इस पार्टी ने ये वाला बेंचमार्क जो है वो क्वालिफाई कर लिए थे 6% वोट। अब इसमें पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि इसने लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट नहीं जीते लेकिन अलग अलग 4 स्टेट्स में जीत लिए, क्वालिफाई कर दिया, जो हमने अभी क्राइटेरिया देख के आया पीछे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016, द पार्टीज सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है फ्लावर और ग्रास, तो ये पार्टी के सिंबल में फ्लावर और ग्रास देखने को मिल रहा है और ट्राइकलर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या है, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, फेडरलिज्म ये जो शब्द आया ना यहाँ पे, इस पे आपको फोकस करना होगा, क्यों, क्योंकि आप देखना वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा सेंटर से उस चीज में कसा कसी में रहता है कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी दी जाए, वो बात अलग है कि सेंटर और स्टेट में क्योंकि पार्टीज अलग अलग है तो वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम भी ज्यादा जाती है, लेकिन फेडरलिज्म, ठीक है, तो इट इज कमिटेड टू फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, ही मतलब पार्टी हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से है ममता बनर्जी पावर में, 2021 चल रहा है, ठीक है, तो 2021 में फिर जीत गई है, तो इस तरह से एक लंबे समय तक क्या है उन्होंने वेस्ट बंगाल की कमांड संभाली है रीसेंट टाइम में। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, और मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी प्रेजेंस है, और इट मेक्स दिस पार्टी अ नेशनल पार्टी, ठीक है, 4-4 स्टेट में प्रेजेंस है। फिर क्या है, इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% वोट्स एंड वॉन 22 सीट्स जीत गई, 0.7% वोट ही मिले सर, 6% चाहिए रहते हैं, तो बताया ना कि 4 स्टेट्स में भी क्वालिफाई कर जाओगे तो हो जाएगा काम, और 2016 में उसने ये बेंचमार्क हासिल कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हो सकता है
आप क्या मतलब हो सकता है क्या है ही कि 2019 में उसे 6% वोट नहीं मिले, लेकिन चार लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, चार स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे 6% वोट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बना के रखी उसने कहां पे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ कह सकते हैं वेस्ट बंगाल। क्लियर हुआ? तो ये हो गया द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019, इट गॉट 4.07% वोट्स एंड वॉन 22 सीट्स, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है, एंड मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, बस फॉरकास्ट कर रहा हूं थोड़ा सा बींग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 2024 में जो जनरल इलेक्शन होंगे तो उसमें कांग्रेस से ज्यादा प्रबल दावेदारी दिखेगी आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है। गॉड नोस आगे कैसे चीजें अनफोल्ड होती है, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, ठीक है मेरा, कि देखना वहां पे अब जो 2024 के इलेक्शन होंगे तो वहां पे आपको एक टफ कॉम्पिटिटर की तरह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस देखने को मिलेगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना, आप जो सिविक्स पढ़ते हैं बुक्स में, आप आंसर लिख के आ जाओगे, 11th में चलाएंगे सर मैथ साइंस ले लेंगे, बायो ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, टेंशन खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स विच आर नियर अस, ठीक है, तो इन्हें पढ़ो, समझो, इन्वॉल्व हो इनमें, पॉलिटिक्स, आप जो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पढ़ रहे हो ना, तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीना है आपको, ठीक। और लास्ट में एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा, मतलब इस चैप्टर के आखिरी में उस पॉइंट की गहराई को समझना आखिरी में मिलेगा एकदम। चलो अब आता है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी में आप क्या देखेंगे कि दिस इज द पार्टी विच वर्क्स एक्सक्लूसिवली एंड टारगेटली टू दी कह सकते हैं दलित्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो दलित्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत जोरों शोरों से काम करती है ये पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, BSP जो है। तो फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, ठीक है, तो कांसीराम जो थे तो उनकी लीडरशिप के अंडर में इस पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी गई बहुजन समाज पार्टी की। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। बहुजन, बहुजन मतलब क्या, जो मल्टीपल आप देख रहे हैं ना माइनॉरिटीज है उन सब के लिए, तो जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, ओबीसी हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, तो एक ऐसी अम्ब्रेला पार्टी है जिसने सभी माइनॉरिटी सेक्शंस को, माइनॉरिटी सेक्शंस के साथ साथ में कह सकते हैं कि अब क्या होता है कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी को अगर देखोगे तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जो डिप्राइव्ड रहे, ठीक है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, तो इन सभी लोगों को एक ही छतरी के नीचे लाने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, ठीक है, महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी, नायकर, बाबा साहेब अंबेडकर। तो अब देखो तो इंस्पिरेशन कहां से मिल रहा है, तो वो सारे लीडर्स हु वर्क्ड फॉर बहुजन, ठीक है, मतलब जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जिन लोगों ने काम किया ना, उन सभी लीडर्स से ये पार्टी अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करती है। महात्मा फुले हो गए, पेरियर रामास्वामी नायकर हो गए, साउथ में जिन्होंने द्रविडियन मूवमेंट वगैरह चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, तो इन्हें आइडियल्स मान के चलती है बहुजन समाज पार्टी, फाइन। अब उसके बाद में जैसे देखेंगे तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी है तो आप तो देख ही रहे होंगे टीवी वगैरह में, तो बहुजन समाज पार्टी की अगर एट प्रेजेंट आप कमान देखेंगे तो किसके हाथ में है, मायावती, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दीदी के बारे में पढ़ा आपने, बुआ, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे बुआ जी के बारे में आप देखोगे तो स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस पीपल। इट हैज इट्स मेन बेस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। जी हाँ, तो इन स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सीट्स सिक्योर कर लेती है, ठीक है, कुछ कुछ सीट्स यहाँ भी जीतती है नेबरिंग स्टेट्स में, और इट मेक्स इट अ नेशनल पार्टी, ठीक है, इसी कारण से वो नेशनल पार्टी बनती है कि आजू बाजू के नेबरिंग स्टेट्स में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। समझ में आइडियोलॉजी क्लियर है उसकी, पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति को उठा के देखोगे ना, अगर स्टेट लेवल पे अगर पॉलिटिक्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर रंग बिरंगी सरकारें बनी है, कोलिजन गवर्नमेंट्स बनी है, अलग अलग लोग आए, ठीक है। तो उसमें जैसे आप देखेंगे तो मायावती जो थी, तो ये भी इन्होंने भी क्या किया है, कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप की। क्लियर हुआ? इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 इट पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स एंड सिक्योर 10 सीट्स। तो वो जो 4 सीट्स का एक क्राइटेरिया एंड में था वो तो सिक्योर कर ही लिया, उससे ऊपर चले गए, साथ ही साथ क्या है वोट परसेंट की अगर बात करें तो 3.6% वोट सिक्योर किया था लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन क्योंकि सब्सटेंशियल प्रेजेंस है चार और स्टेट्स में, तो इट मेक्स बहुजन समाज पार्टी अ नेशनल पार्टी। समझ में आया? अगला आता है भारतीय जनता पार्टी। अब देखो ये क्रोनोलॉजी में ए से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बी से बहुजन और फिर बी से भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरे नंबर पर आती है भारतीय जनता पार्टी, एट प्रेजेंट द पार्टी इन पावर, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी की इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो,
कि आज जो आप बीजेपी देख रहे हो, बीजेपी हमेशा से बीजेपी नहीं रही है। बीजेपी पहले क्या थी? जनसंघ पार्टी थी, ठीक है। जनसंघ पार्टी मतलब ये इस तरह से, जैसे आप देखेंगे दिया जलता हुआ जो है ना, तो ये पहले सिंबल हुआ करता था। और उस समय पे लीडर भी कौन हुआ करते थे पता है? उस समय पे जैसे आप देखोगे तो उस समय पे लीडर हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। कब नींव रखी थी? तो नींव रखी थी जैसे अगर आप देखेंगे फाउंडेड ये 1980 में, तो रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया। उसके पहले जो उसकी पेरेंट पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी, और फिर जनता गवर्नमेंट बनती है तो जनसंघ पार्टी थी। फिर जनसंघ जो है वो जनता गवर्नमेंट में मिल जाती है, फिर जनता गवर्नमेंट से बाहर निकलते के भारतीय जनता पार्टी बनती है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है, आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग ह्यूमैनिटीज लेंगे, अगर ह्यूमैनिटीज लेंगे भी तो क्लास 12th में आप एक बुक पढ़ोगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वो जो बुक है ना, लेक्चर्स है, जैसे आप 10th कंप्लीट कर लोगे फ्री रहोगे तो उन लेक्चर्स को देखना आप यूट्यूब पर, ठीक है, मैंने पढ़ाया है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा इंडियन पॉलिटिक्स कितना, मतलब एक स्टोरी की तरह अगर सुनोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में कितना उथल पुथल रहा है, कैसे अलग अलग फेजेज आए, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज आप देख रहे हैं वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से डिराई हुई है। तो वहीं पे अगर जैसे देखोगे तो जनसंघ से निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, तो फाउंडेड इन 1980। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ये नाम जो सुने ना, तो दे वर दी फाउंडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक। तो फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग दी अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ, जनसंघ को रिवाइव करके फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में और भी नाम जुड़े हुए हैं भारतीय जनसंघ में, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, ठीक है। तो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंतोदया। अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंतोदया, तो दीज आर दी फिलोसफीज, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब क्या है कि कल्चर में विश्वास रख के वहां से आप क्या कर रहे हैं, वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट कर रहे हैं। अंतोदया मतलब क्या है, तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। अंतोदया में क्या है, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसका वेलफेयर हो। तो इस तरह के आइडियाज जो दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज थे वो आपको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में रिफ्लेक्ट होने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया बनाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी किसमें से, बाय डिराइविंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडिया, दैट इज द फोकस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक। कल्चरल नेशनलिज्म पे फोकस करती है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। अब यहां पे मैं आप लोगों का एक मिनट लूंगा और समझाऊंगा एक बहुत अच्छी चीज, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा वो तो आप लिख के आ जाओगे, लेकिन एक लाइफ लेसन, मतलब लाइफ लेसन इन द सेंस कि आपको जो इन जनरल पता होना चाहिए देश के बारे में वो सीखते जाओ। क्या एट टाइम्स बीजेपी, देखो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए क्या कर दिया था, एक डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर बड़ा छुई मुई सा है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो किसी की भी भावनाओं को आघात पहुंचाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो समझते चलना, बस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप सीखो। तो अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, तो लोग हिंदुत्व को हिंदुइज्म से रिलेट कर लेते हैं। हिंदुत्व इज अ डिफरेंट थिंग एंड हिंदुइज्म इज अ डिफरेंट थिंग। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी में क्या बताती है, इट बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। हिंदुत्व में बिलीव रखती है। हिंदुत्व का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हिंदुत्व का मतलब ये है कि जो वे ऑफ लाइफ एंशियंट इंडिया की रही है, नॉट अ रिलीजन। हिंदुइज्म, हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, ठीक है। हिंदुइज्म इज ऑल्सो सम एट टाइम्स रेफर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ, और हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है कि जिस तरह से एंशियंट इंडिया में जो मतलब बोलते हैं ना भारतीय संस्कृति रही है वो किसी धर्म से जुड़ी नहीं है, वो तो लोगों का जीने का तरीका जो है। तो भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म और द रिवाइवल ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कल्चरल नेशनलिज्म। अब आपको एग्जाम में लिखना आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भारतीय जनता पार्टी, तो अब आप सब ये लिखेंगे कि अर्स्टवाइल जो भारतीय जनसंघ थी उससे रिवाइव होकर भारतीय जनता पार्टी बनी है, आइडियोलॉजी किस चीज पर बेस्ड है, कल्चरल नेशनलिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंतोदया ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। आया ना समझ में? जो बच्चे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता है, तो याद क्यों करना है, तो समझने वाली चीज है, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पार्टी के, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, तो ऑब्जेक्टिव्स में आप देखो क्लियरली यहां देख सकते हो, वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शन। अब देखो यही सारे आइडियाज जो है आपको वर्किंग में देखने को मिलेंगे। फुल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आर्टिकल 370 का मतलब जो रिवोक किया गया आर्टिकल 370 को, तो वो इट इज बीइंग डिराइव्ड आउट ऑफ दिस, ठीक है। आर्टिकल 370 का रिवोकेशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की जैसे बात की जाती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में भी आप बताएंगे क्या कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी करेंगे किस आर्टिकल में है वो,
ठीक, तो उस तरह से क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की सभी देश के सभी लोगों के लिए एक जैसा, अलग अलग रिलीजियस एक्सेप्शन ना मिले, सबको एक जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बांध दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, तो इसलिए आप जिस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बीजेपी रूल्ड है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट का प्रोविजन लाए हैं, लॉ लाए ऐसे, ठीक है। सो दीज आर दी आइडियाज, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s में क्या है, देखो पावर इज लाइक सी सॉ, एक कंसेप्ट बताता हूँ, पावर आज किसी के पास है ना, तो कल को जब वो नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग ऊपर जाएंगे। पावर इज लाइक सी सॉ, सी सॉ पे बैठे हो ना आप, इधर से ऊपर इधर से नीचे, या तो आप ऊपर ही बैठे रहो, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा जब आप नीचे जाओगे तो ऑटोमेटिकली कोई और ऊपर आता है, ठीक है। पावर इज लाइक सी सॉ, तो वहां पे क्या है कि जब कांग्रेस का सपोर्ट बेस डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है ना 1990s में, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आता है, ये सारी चीजें होती है, तब क्या है, तब बीजेपी धीरे धीरे पावर में आती है। इनिशियल फेज में संघर्ष रहा बहुत ज्यादा बीजेपी का, क्लियर हुआ। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरियाज। धीरे धीरे क्या मतलब, शुरुआत में अर्बन एरियाज, पता है आज से 20 साल पहले कहा जाता था कि बीजेपी इज अ पार्टी विच इज बेस्ड, मतलब बोल सकते हैं ना कि उसका बेस कहां पे है, अर्बन सेंटर्स में, शहरों में बीजेपी है और गांव में कांग्रेस है, ऐसा, ठीक है। और आज भी एट टाइम्स वो देखने को मिलता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट एक्सपेंडेड इट सपोर्ट इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। फाइन, केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। 1998 में पहली बार अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक कोलिजन बनता है। अभी बताया था ना मैंने आपको कि क्या है, आपको मल्टी पार्टी सिस्टम में जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती है तो बहुत सारी पार्टीज एक साथ आके कोलिजन बनाती है, तो आपको ऐसा एक कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। कब एक कोलिजन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, 1998 में, ठीक है। और वो जो अलायंस बनता है उसका नाम क्या था, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसको लीड किया था बीजेपी ने, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, वो हो गया। Emerged as the largest party with 303 member in 2019 Lok Sabha election. 303, ठीक है, 303 वाला जो फिगर है ये अचीव किया बीजेपी ने, कब, 2019 के इलेक्शन में। करेंटली लीड्स दी रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट दी सेंटर, तो एट प्रेजेंट आप क्या देख रहे हैं कि मेजोरिटी पार्टी है, देख लो, तो इस तरह का आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। जो ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर दिख रहा, भगवा कलर, वो किसका है, वो बीजेपी का, आपको 2019 के इलेक्शंस का वो बता रहा है कि उसकी प्रेजेंस कितनी है कंट्री में, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन की। अब आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई अगेन आप कह सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पार्टी, और वेरी इंटरेस्टिंग पार्टी से ज्यादा क्या है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई है ना, समय रहे तो एमएन रॉय की लाइफ के बारे में पढ़ना, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, ये वो सारी चीजें अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं एकदम मूवी देख रहे हैं हम कोई, वैसा वैसी वाली फील आएगी। एम एन रॉय की लाइफ के बारे में पढ़ना, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं खोलूंगा, उनके लाइफ के बारे में पढ़ना, वीडियो देखना कोई भी, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। अब सीपीआई जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1925, बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी में बिलीव रखती है वो। यहाँ पे देखो क्या है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म मतलब कार्ल मार्क्स और वल्दिमीर लेनिन, नाइन्थ में पढ़ा था वल्दिमीर लेनिन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन, तो रशिया में रेवोल्यूशन आया, रशिया पहला कम्युनिस्ट कंट्री बनता है, ठीक है। तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो है तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर का, रशिया का मतलब, ठीक है, यूएसएसआर का एक बड़ा क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में, ठीक है। तो उस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट वॉज फाउंडेड इन 1925, तो एम एन रॉय वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर, और जो आइडियाज है तो वो कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियाज में विश्वास रखते हैं। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म मतलब इक्वालिटी की बात की गई है, सेक्युलरिज्म यहाँ पे धर्म निरपेक्षता तो सेकेंडरी चीज है, पहले इक्वालिटी की बात की गई है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इन चीजों में विश्वास रखते हैं। इक्वालिटी इन द सेंस क्या है, तो क्लास नाइन्थ में जो आपने रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा होगा ना किस तरह से स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप की बात की जाती है, रिसोर्सेज को बांट दिया जाए, लैंडलॉर्ड्स वगैरह से जमीन छुड़ा ली जाए, उन सारी चीजों में ऐसे इक्वालिटी में विश्वास रखती पार्टी। अपोज दी फोर्सेज ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म, ठीक है, मतलब ये कम्युनिस्ट वाला कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म, एल वाला कम्युनलिज्म, दोनों में डिफरेंस है। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धार्मिक कट्टरपंथा दिखाई जाती है। अब जेंडर रिलीजन कास्ट वाला चैप्टर सिलेबस में है नहीं, लेकिन जिन्होंने अगर पढ़ा है उसे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो कम्युनलिज्म वाली चीज अगर आप पढ़ोगे ना तो वो क्या है कि आप किसी धर्म को लेके धर्म 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 करने लगते ना, और जब क्या है रिलीजियस आइडेंटिटीज थोपी जाती है, सोसाइटी को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो वो कम्युनलिज्म होता है, ठीक है। और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म किस चीज की आइडियोलॉजी है, जैसे आप देखेंगे इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आइडियोलॉजी है। तो
कम्युनलिज्म जो है तो कम्युनलिज्म को अपोज करती है कम्युनिज्म, ठीक है, कम्यून, कम्यून मतलब कम्युनिटी, ठीक है, तो कम्युनिटी पर बेस्ड आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाली थी और दे अपोज कम्युनलिज्म, मतलब रिलीजन के बेसिस पे क्या है, रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को देखा जाए वो चीज गलत है, ठीक है, और एट टाइम्स क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट आर एथिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो धर्म में तो विश्वास ही नहीं रखते तो वो कम्युनिज्म को अपोज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सक्सेशनिज्म मतलब क्या है कि अगर देश के अंदर कोई ऐसा बोल रहा है कि अलग हिस्सा कर दो देश से, ठीक है, हमें बाहर निकाल दो, जैसे खालिस्तान मूवमेंट हो गया, तो सक्सेशनिज्म जो है इसे अपोज करती है कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बार सांस ले लो तो मुझे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सक्सेशनिज्म को, कम्युनिज्म को, इन चीजों को अपोज करती है, बिलीव इन सेक्युलरिज्म, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड द पुअर। अब इसका जो सपोर्ट बेस है ना तो वो कौन रहा है पता है, वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड द पुअर, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, लैंड रिफॉर्म्स की, इन सारी चीजों की बात करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस कारण से उसका सपोर्ट बेस आप जैसे देखोगे तो मेनली क्या है, जो सोसाइटी का डाउन ट्रोडन सेक्शन, पुअर सेक्शन है, ठीक है, तो वो मेन सपोर्ट बेस है, ठीक। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन पार्टी इन 1964, ठीक है, 1964 में क्या स्प्लिट हुआ अभी समझा रहा हूँ, दैट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM, अगली पार्टी हम CPIM पढ़ेंगे, तो 1964 में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर स्प्लिट आता है, तो एक सेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन जाता है और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रहता है पुराना वाला, ठीक है, ये स्प्लिट क्यों होता है अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट समझाऊंगा जब बताऊंगा मैं आपको। फिर क्या है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका भी, कैसे, तो केरला में, जैसे केरला में टाइम सरकारें भी बनती है, ठीक है, और इनफैक्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो कंट्री के अंदर, एक चीज बता रहा हूं, कंट्री के अंदर पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी ना, नेशनल और स्टेट लेवल सब मिला के, तो पहली नॉन कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा जो दूसरी गवर्नमेंट बनी, तो आई गेस 1959 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी वो बनी थी स्टेट ऑफ केरला में, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला में नंबूदरी पाद उस समय पे चीफ मिनिस्टर बनते और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी केरला में, ठीक है। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह क्या है इसका स्प्रेड है, इसी कारण से नेशनल पार्टी है, ठीक है, वही क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। इट्स सपोर्ट बेस हैज ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द इयर्स, लेकिन आज अगर आप बात करोगे तो उसका सपोर्ट बेस कम हो गया है, इट इज लिमिटेड टू सम स्टेट्स ओनली जैसे केरला वगैरह, इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा, ठीक है। तो अब देखो पहले नेशनल पार्टी के बेंचमार्क्स को इसने क्या किया है, क्वालिफाई किया है, लेकिन 2019 में जैसे अगर आप बात करोगे तो 2019 तक आते आते क्या सपोर्ट बेस इसका बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, 2 सीट बची है बस लोकसभा में और 1% से भी कम वोट शेयर इसके पास है, ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अच्छा खासा काम है जैसे केरला वगैरह में देखोगे तो आप, ठीक है। एडवोकेटेड द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, तो जो अलायंस की बात करते हैं जैसे एनडीए, यूपीए, तो यहां पे लेफ्ट फ्रंट का जो अलायंस है, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट का अलायंस मतलब क्या है कि सारी लेफ्टिस्ट पार्टीज, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होती है, राइटिस्ट मतलब जो रिलीजन का सहारा लेके पार्टी ऊपर आ रही है, ठीक है, और लेफ्टिस्ट पार्टी मतलब क्या है जो किस चीज में विश्वास रखती है, कम्युनिज्म में विश्वास रखती है, कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बातों को, देखो आइडियोलॉजीज को समझना, आइडियोलॉजीज को चैप्टर में समझना, पार्टीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बस पॉइंट ये कि आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो, तो यहां पे क्या लेफ्ट फ्रंट जो है तो जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है, लेफ्टिस्ट पार्टीज है, ठीक है, तो उन सारी पार्टीज को एक साथ आने की बात करती है, कौन एक साथ लाने की बात करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही निकल के आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, ठीक है, तो इट वॉज फाउंडेड इन 1964 में, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट होता है, स्प्लिट होकर बाहर निकलती है एक पार्टी CPIM, CPI और CPIM में क्या डिफरेंस है, ये इसका लोगो हो गया, ठीक है, और मतलब ये देख लो इसमें कोई चांद सितारे नहीं है, और CPIM में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक स्टार देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है, तो ये CPI और CPIM में डिफरेंस है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म मतलब फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल ग्राउंड अगर समझोगे तो दोनों का सेम ही है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में विश्वास रखती है, फिर अलग क्यों हो गए सर, तो उसके पीछे कहानी सुना देता हूं, चलो हाथ पैर बांधो ऐसे और कहानी सुनो। 1964 जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में क्या है, उस टाइम पीरियड में देश में जैसे अगर देखोगे ना तो कांग्रेस मेजर पार्टी थी और कांग्रेस के सामने जो बडिंग पार्टीज थी जो निकल रही थी, जैसे स्वतंत्र पार्टी थी, ठीक है, जनसंघ था, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कुछ पार्टीज उस समय पे कांग्रेस के सामने सिर उठा रही थी। अब क्या हो रहा है ना कि 1962 में हमारी लड़ाई होती है, किससे लड़ाई होती है, चाइना से, चाइना से लड़ाई होती है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक तो यह है कि हमारा देश है, अपना देश है, आप उस देश की पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, तो उस देश में जो समय रूलिंग गवर्नमेंट होगी आपको उसका साथ देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी लड़ाई हुई है दूसरे देश से, देश में अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के आपको जो देश जिससे लड़ रहा है, जो दुश्मन है, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
तो आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट स्टेट की आइडियोलॉजी। और चाइना जो है ना, तो चाइना कम्युनिस्ट स्टेट था, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो अपनी आइडियोलॉजी वालों के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब उसे ऐसा लगता था कि अब इंडिया में कांग्रेस को सपोर्ट करें कि चाइना को सपोर्ट करें, चाइना हमारी आइडियोलॉजी वाला देश है और इंडिया अपना देश है, क्या करें। तो CPIM जो है ना, तो CPI और CPIM दोनों में स्प्लिट ही इसी बात पे आया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स थे वो साथ में हो गए थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला नहीं नहीं नेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और वो सेक्शन जो ये बोला था नहीं हमें चाइना को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बाहर निकल गया और स्प्लिट आई। मतलब ये एक कारण था, उसके अलावा और भी लीडरशिप टशल वगैरह और भी कारण थे, लेकिन ये एक कारण था जिस कारण से क्या है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट स्प्लिट हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये इट वॉज फाउंडेड इन 1964, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म विश्वास रखती है, सपोर्ट्स सोशलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी, अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो आइडियोलॉजिकली सब कुछ सेम है, बस वो क्या है ड्यू टू दैट इवेंट स्प्लिट अकर्ड, ठीक है। फिर क्या है, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल means to securing the objective of socio economic justice in India. Democratic elections वगैरह में विश्वास रखते हैं, लेकिन at times उन्होंने इसमें, जैसे इसमें से भी एक fraction और निकलेगा, आगे पढ़ोगे ना तो इसमें से एक violent fraction और निकलेगा जिसे ban कर दिया गया, ठीक है, CPIML, ठीक है। तो वो जो है, तो वो क्या हथियार उठाने में विश्वास रखता था, नक्सलिज्म वाली जो चीज है, चारू मजमदार वाली। मैं और ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिंपल इतना ध्यान रखो कि ये पार्टी जो है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होकर निकल के आई, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड सेम थे, ठीक है, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड सेम थे। इंजॉय सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल केरला त्रिपुरा स्पेशली अमंग पुअर फैक्ट्री वर्कर्स फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड इंटेलिजेंसिया, ठीक है। इंटेलिजेंसिया मतलब क्या है कि जो बोलते हैं ना थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, जो आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स की बुक्स पढ़ते हैं, मतलब इस तरह से बता रहा हूं मैं आपको। तो जो मतलब जरूरी नहीं कि जो कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ता है वही इंटेलेक्चुअल है, मैं तो एक रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी उधर से निकल के आई ना इसके लिए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इस तरह के, खास करके जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में आपको लोग देखने को मिलेंगे, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिबेट, फाइन। तो उस पर जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, एक अच्छा सपोर्ट बेस है। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ठीक है, तो मार्क्सिस्ट इस पार्टी ने क्या सरकारें भी बनाई है, तो क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक, हाँ ये पॉइंट अच्छा आया। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट व्हिच यू हैव टू राइट व्हेन द क्वेश्चन कम्स ऑन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और CPIM को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट ये अच्छा लिख सकते हैं कि CPIM जो है ना, इट इज वेरी क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो लिबरलाइजेशन हुआ ना 1990s में, उस चीज को अपोज किया था CPIM ने कि आज आप क्या कर लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को ले आओगे, फिर वही कैपिटलिज्म को अपोज करने वाली चीज, ठीक है। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है ना कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, ये सारी चीजें होगी। तो इसके चलते क्या है, इट वॉज क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इन टू द कंट्री, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 years, एक लंबे समय तक 2011 तक, जैसे अगर आप देखेंगे ज्योति बसु वॉज वन ऑफ द लीडर हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, CPIM के फाउंडर्स में एक ज्योति बसु भी थे, ठीक है, और पावर में भी रही लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। तो वेस्ट बंगाल में जैसे अगर आप देखोगे, तो वेस्ट बंगाल में अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी का दबदबा है, ठीक है, तो वो अब तो खैर क्या सब सेंट्रिस्ट हो गया, लेकिन वो जो दबदबा था तो इस कारण से, क्योंकि एक लंबे समय तक क्या है पावर में रही CPIM वेस्ट बंगाल में अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्योति बासु। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 1.75% ऑफ वोट्स एंड 3 seats, ठीक है, 2019 में इसका परफॉर्मेंस ये रहा। लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है, तो वेस्ट बंगाल के अलावा भी क्या है, केरला त्रिपुरा इन स्टेट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी जिसे आप जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दो को तो सर हम बहुत अच्छे से जानते थे और आपने और बता दिया। अब कांग्रेस की बात करें, चलो, कांग्रेस वॉज पॉपुलरली नोन एज, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी एक बात बताता हूं मैं आपको, ये जो आप हाथ का पंजा आज देख रहे हो ना, ये आज हाथ का पंजा है, इसके पहले बहुत स्प्लिट आए इसमें भी, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो आपने एक पढ़ी लिया बुक में, इसके पहले भी कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थी जवाहरलाल नेहरू वाली, वो ओरिजिनल तो बची नहीं है, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर, अलग अलग इंदिरा गांधी के टाइम पे चीजें बदली है, ठीक है। तो उस तरह से पहले दो बैल हुआ करते थे, दो बैल जो होते थे ना, बैलगाड़ी वाले बैल, ऑक्स, तो वो सिंबल हुआ करता था, आज हाथ का पंजा सिंबल है, लेकिन इसके पहले सिंबल भी बदला, ठीक है। जैसा मैंने आपको बीजेपी बताया कि जनसंघ का दिया था, दिए से कमल निकल के आया है, तो ऐसी बैल से हाथ निकल के आया है यहाँ पे, ठीक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज आप देख रहे हैं, उसे पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है, और ये डिबेटेबल है कि ये ही ओरिजिनल है कि ओरिजिनल तो पता नहीं कहाँ गई,
ठीक है, बहुत सारी चीजें बदली है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बुक है इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो 12th वाली है, ठीक है, तो उसे पढ़ना कभी समय मिले तो उसमें आपको इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेड इन 1885 एंड एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। बुक में भी लिख दिया कि बहुत स्प्लिट आया इसमें, 1885 में ही बन गई थी जब देश आजाद नहीं हुआ था। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, नो डाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द पार्टी विच helped a lot in gaining the independence, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंकल का चेहरा दिख रहा है आपको, स्टड है, ठीक है, आप बताना, he was the founder of Indian National Congress, and he was a British civil servant, ठीक है, तो British civil servant नहीं, मतलब Indian National Congress, Indians ने तो बनाई नहीं है, मतलब Indians उसके part बने, बाद में lead Indians नहीं करा, लेकिन उसकी foundation किसी एक British civil servant ने रखी थी, क्या नाम है, ये आप comment section में बताएंगे मुझे, ठीक है, ये comment section में बताएंगे आप। तो दिस पार्टी प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एक समय था जब जैसे 51-52 में जब चुनाव पहली बार हुए देश में, तब एक छत्र राज था कांग्रेस का, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लो, चाहे आप नेशनल पार्टी की। बताता रहूं कि शुरुआत के 5-10 साल तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ऐसा था कि वो इक्का दुक्का कहीं देखने को मिल रही थी। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ही 1959 में बनी थी, ठीक है, जो सीपीआई के बारे में बताया मैंने केरला में नंबूदरी पार्ट के अंदर में, क्लियर हुआ। तो इस तरह से एक लंबे समय तक, और इनफैक्ट जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में 47 में इंडिपेंडेंस मिली ना, 47 से 57, 67, 77 तक कांग्रेस नेशनल लेवल पर रही है, 30 साल कांग्रेस रही, उसके बाद में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे आती है, ठीक। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, ठीक है। तो मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द वर्ड्स आर एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, कि एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने का प्रयास किया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में क्या है, इट बिकेम अ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक रूल किया, 47 से 77 तक। 77 में फिर चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है देश में, ठीक है। स्टेट लेवल पे तो 59 में ही बन गई थी, केरला मैंने बताया आपको। देश में जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है ना, जनता पार्टी जो आती है, कोलिजन जनता गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, तो वो जनता गवर्नमेंट जो आती है वो 1977 में आती है। एक होमवर्क क्वेश्चन और दू क्या, एक और, मतलब बहुत सारे दे दिए, शायद लेक्चर भी बड़ा हो गया और हमारा। एक होमवर्क क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों के लिए, आप बताना कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनती है 1977 में जनता गवर्नमेंट, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, मतलब हु वाज द पर्सन हु वाज नॉट फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज नॉट फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है, ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट वो भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, ठीक है। तो 1977 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है एंड देन फॉर्म, और फिर उसके बाद में क्या, 1980 में वापस से कांग्रेस आ जाती है पावर में। 1980 में इंदिरा गांधी वापस से पावर में आती है, इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है 84 में, 84 से फिर 89 तक राजीव गांधी कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा का पूरा टेन्योर रहा। तो एक लंबे समय तक, मतलब 30 साल उधर और 10 साल इधर लगभग, ठीक है, ये रूल किया। फिर उसके बाद में पावर में फिर आती है 2004 में, 2004 से 14 तक फिर पावर में रही कांग्रेस। तो एक बोल सकते ना, सबसे बड़ा पीरियड जिसने नेशनल लेवल पर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कह सकते हैं कि कवर किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। After 1989, its support declined. 1989 के बाद में लेकिन support decline होने लगा, but continues to be present throughout the country. जैसे आज भी आप देखोगे तो it is the second largest party. समझ में आया, cutting across the social divisions. और कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी की तरह जिसमें हर सेक्शन के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। A centrist party, neither rightist neither leftist. जैसे बीजेपी को राइटिस्ट कहा जाता है, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टीज है उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसे सेंट्रिस्ट कहा जाता है, जिसे बीच में कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, इट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पाउस सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। तो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, धर्मनिरपेक्षता में, मतलब हम ना राइट में जा रहे हैं ना लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करेंगे, वेलफेयर ऑफ वर्कर सेक्शन माइनॉरिटीज, इन सारी चीजों पर विश्वास रखती है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस। 1990s में जो लिबरलाइजेशन हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो उस चीज को सपोर्ट किया, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ में, कि इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म ना हो जाए, ऐसा सारा सब कुछ, ठीक है। लीडर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014 आएगा, 19 थोड़ी है, ठीक है, 2004 से, अगर बुक में भी गलत हो सुधार लेना, 2004 से 2014 तक क्या है ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो रहा, मनमोहन सिंह की जो सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उसे लीड किया कांग्रेस पार्टी ने। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 19.5% वोट एंड 52 सीट्स, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की तरह ये इमर्ज होती है 2019 में, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के बारे में समझ में आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब लास्ट एक और पार्टी जो है वो कांग्रेस में से ही निकली है, ठीक है। देखो कितने स्प्लिट्स आए कांग्रेस में, तो आपने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस देख लिया, ये तो रीसेंट स्प्लिट्स, और इसके पहले के स्प्लिट्स तो क्या कहना, ठीक है। फिर क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, एनसीपी,
तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार के बारे में जानते हैं आप, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे शरद पवार का एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की रीजनल पॉलिटिक्स में, तो ही वॉज द पर्सन हु फॉर्म नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एनसीपी, फॉर्मड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी। यहां पे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हूं मैं आपको, रुको, ठीक है। तो फॉर्मड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, एस्पाउस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी सोशल एंड जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ठीक है। तो इक्वालिटी होना चाहिए शायद यहां, ठीक है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन सारी चीजों में क्या करती है, विश्वास रखती है, कौन, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, ध्यान रखना, इधर घड़ी है सिंबल, ठीक। अब क्या हो रहा है, वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी टू बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। स्प्लिट का कारण पता क्या था, 1919 का टाइम पीरियड, जैसे अगर आप देखोगे 1919 के टाइम पीरियड में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल थी, कोलिजन गवर्नमेंट्स थी, सारा सब कुछ, और ये स्प्लिट होने का कारण ये है कि जो पेरेंट पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो ये चाहती थी, वांट्स दैट हाई ऑफिसेस, ठीक है, हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि जैसे कंट्री पार्टी के जो हाई ऑफिसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल पार्टी प्रेसिडेंट जो रहेगा वो कौन रहना चाहिए, वो देश में ही जन्मा हुआ इंसान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे सोनिया गांधी जो है, तो सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमांड चली गई थी, और कुछ लीडर्स को ये पसंद नहीं आया कि एक वो इंसान जो देश का नहीं है लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में से एक है, उसकी कमांड संभाल रहा है। और यही मतलब क्या होता है कि देखो, कभी भी कोई स्प्लिट होता है ना, तो स्प्लिट यूं ही हवा में नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना, कोई अगर किसी से जुड़ रहा है या अलग हो रहा है तो उसके पीछे कारण रहते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, और यहां डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया यहां पे, कि गवर्नमेंट जो है ना, तो गवर्नमेंट कन्फाइंड ना रहे, कहां तक गवर्नमेंट कन्फाइंड ना रहे, वो मतलब पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो है, पॉलिटिकल ऑफिसर्स कन्फाइंड रहना चाहिए नेचुरल बॉर्न सिटीजंस जो है कंट्री के, उनके पास, ना कि कोई बाहर से आके पार्टी की कमांड संभाल ले। सोनिया गांधी, कुल मिला के ये है कि सोनिया गांधी और जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे शरद पवार वगैरह, इनके बीच में तालमेल बना नहीं, पार्टी में स्प्लिट आता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनती है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब आपको ये सब सोनिया गांधी और ये पूरी कहानी नहीं लिख के आना, मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से क्या, फॉर्म इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, बिलीव्स इन द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, गांधी एंड सेक्युलरिज्म, ऑल दिस थिंग्स। गांधी एंड सेक्युलरिज्म मतलब भी वही है कि गांधी जी का जो सेक्युलरिज्म था कि रघुपति राघव राजा राम, उस टाइप से क्या है, ईश्वर अल्लाह तेरा राम, तो सभी धर्म को समान मानना, इक्वालिटी, उन चीजों में विश्वास रखते थे वो, ठीक है। तो गांधी एंड सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है। अ मेजोरिटी पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, ठीक है। कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस। अब क्या है, बाद में जब कांग्रेस की सरकार वगैरह बनेगी ना, तो वो सपोर्ट दे देती है, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है उसने सपोर्ट दिया है, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दिया है। तो अब देखो पॉलिटिक्स में कौन कब कहां बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004 से यूपीए का एक मेंबर रही है। तो जैसे जो कांग्रेस पार्टी जिस अलायंस को लीड कर रही है, तो उस पार्टी में, उस अलायंस में सपोर्ट दे रही है, ठीक है, किधर गया, उस अलायंस में सपोर्ट दे रही है, ठीक है, उस अलायंस में सपोर्ट दे रही है। इन 2019 द लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 1.4% वोट्स एंड 5 सीट्स। 2019 में इसका परफॉर्मेंस ये रहा। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि सर कहीं कहीं तो कम हो गया 4 सीट, चलो यहां तो 5 है, कहीं तो 2 सीट ही थी, तो वो अब नेशनल पार्टी कैसे है। तो उन्होंने वो बेंचमार्क क्वालिफाई किया, इसलिए वो नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नेशनल पार्टीज। मैं उम्मीद करता हूं मजा आया, आपकी पॉपकॉर्न भी खत्म हो गई है, बड़ा लेक्चर था लेकिन हमने सारी नेशनल पार्टीज को एक साथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया क्या है, स्टेट पार्टीज में से बहुत सारी पार्टीज नहीं दी गई लेकिन कुछ नाम बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझाई पढ़ाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया। हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।